ढेर सारे लोग आए ऋषि के पास, हजारों की संख्या में, जहां पहाड़ी उपदेश में सिर्फ एक जगह जहां उनकी संख्या उनकी गिनती की गई थी 5,000 मनुष्य थे, ऋषि के पास आए, उपदेश को सुना। और जो उपदेश ऋषि मसीह ने उन्हें दिया था वो उपदेश था कि आपको कैसा रहना है, आपको कैसा रहना है। ईशु मसीह ने कुछ और चमत्कारी बातें नहीं की वहां पर, ईशु मसीह ने कहा कि आपको कैसा, इंग्लिश में बी एटीट्यूड्स कहते हैं, आपके रवैये है ये, हमें कैसा रहना है, हमें कैसे चलना है, हमें कैसे जीना है, यह भविष्य मसीह हमें सिखाते हैं। उस पहाड़ी प्रदेश में भविष्य मसीह ने जो कुछ भी कहा उससे हजारों लोगों ने सुना, और उसके बाद ईशु मसीह ने उन्हें भोजन खिलाने के बाद ईशु मसीह अपने चेलों से कहा, आप नाव लेकर चले जाओ, मैं बात जाकर आपसे कहा। ईशु वापस जाकर आपसे मिलते हैं, लेकिन इसके बीच क्या होती है, इसके बीच क्या होती है, ईशु मसीह जाकर प्रार्थना में परमेश्वर के सिर पे बैठते हैं, लोगों से बातें करते हैं। एक और दिन ऐसा हुआ कि जब ईशु मसीह वहां ने दूसरी जगह पर चले गए थे, बहुत से लोग आकर कहने लगे कि प्रभु हम तो आपको वहां ढूंढ रहे थे लेकिन आप यहां पर हैं। तब ईशु मसीह ने उनसे कहा, तुम मेरे पीछे मेरी बातों को सुनने के लिए नहीं, तुम मेरे पीछे मेरी बातों को मानने के लिए नहीं आए, लेकिन तुम मेरे पीछे भीड़ भरने के लिए आए, क्योंकि तुम कल तुमने रोटी खाई थी और तुम्हें लगा कि वही लंगर वहीं पर फिर से लेगी, रोज लंगर लगाया जाएगा, रोज मैं भाषण देते जाऊंगा, उसके बाद तुमको खिलाते जाऊंगा, तुम खाना खाने के लिए मेरे पीछे आए थे, तुम पूरे मन से मेरे पीछे थे। तो जब यीशु मसीह के स्तर योना के सुसमाचार आठवें अध्याय के 31वें वचन से कहते हैं, उन्होंने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उनको विश्वास यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले बनोगे। जिससे कहा यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा, किन यहूदियों से उन्होंने कहा, सारे यहूदियों से नहीं कहा उन्होंने, जिन्होंने विश्वास किया, उन्हीं लोगों से कहा जो सबको भीड़ में सुन रहे उनके लिए नहीं कहा। यीशु मसीह ने इन शब्दों को सिर्फ उन यहूदियों से कहा है जिन्होंने विश्वास किया है, जिन्होंने सुनकर विश्वास किया। यीशु कहता है जिसके कान हो वो सुन ले, जिन्होंने सुनकर विश्वास किया है उनके साथ दूसरी पार्ट में जाते हैं, जो सुनकर चले गए उनसे बाकी कुछ बोला नहीं है, जो खाकर चले गए उनसे और कुछ बोला नहीं है, जो आते जाते हैं उनसे कुछ बोलते नहीं है, लेकिन जो उनको विश्वास करके उनके साथ जो चल रहे थे उनसे कहते हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, इसका अर्थ है कि तुम स्थिर मेरे वचन में खड़े रहो, मेरे वचन से दाएं या बाएं ना जाना, मेरे वचन से तुम यहां वहां ना भटकना, मेरे वचन में तुम खड़ा रहना, मेरे वचन के अनुसार तुम चलना। अगर तुम सच में एक झूठे जो विश्वास नहीं किया सुनकर चले गए, दूसरे झूठों से उसे जो निकाला था उससे यह विषय कहते हैं तुम विश्वास कर रहे हो, तुम विश्वास कर रहे हो, इससे उन्होंने कहा जो यहूदी उन पर विश्वास करते हैं उस झूठ में से फिर से आते हैं, उस झूठ में से छोटे से झूठ में से एक और झूठ को निकाल कर कहते हैं यदि तुम मेरे वचन में बने रहो। उनमें से कुछ लोग बने रहे, कुछ लोग बिखर कर चले गए। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, वचन सुनने वाले सैकड़ों लोग हैं, वचन
पढ़ने वाले सैकड़ों लोग हैं, लेकिन वचन के अनुसार चलने वाले वचन में बने रहने वाले बहुत कम लोग हैं। बुलाए तो बहुत से गए हैं, लेकिन चुने तो थोड़े से गए। परमेश्वर ने उनको टुकड़ा कर उन्हें अलग नहीं कर दिया, लेकिन जो स्तर पे उन्हें बढ़ते बढ़ते जाना है, उस स्तर में बढ़ने के बजाय कुछ लोग वहीं पर बैठे, कुछ लोग वहां से पीछे चलेंगे, वहां से पीछे चलेंगे, और जो लोग आगे बढ़ते चलेंगे उनके बारे में यीशु कहते हैं, बुलाए को अनेक लोग कहते जो चुने गए हैं, लेकिन तुम चुने हुए हो, तुम जो किसी चुनकर तुम चुने गए। विश्वास करने वाले और यीशु के वचनों में बने रहने वाले, विश्वास करने वाले और यीशु के वचनों में बने रहने वाले, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। दोनों यीशु के वचनों में बने रहना, इसका अर्थ यह है कि जो यीशु चाहते हैं वही वो करें, अपनी मन की कुछ करें, चाहे उसके लिए उनको कितनी बड़ी भी कुर्बानी क्यों ना देना पड़े, चाहे उसके लिए उनको कितना बड़ा भी बलिदान क्यों ना देना पड़े। बलिदान और कुर्बानी की बात जब आते हैं, हम पत्रस और बाकी चेलों के पास ही चले जाते हैं, जो प्राथमिक बलिदान उन्होंने चढ़ाई थी, प्राथमिक बलिदान ये थी, उन्होंने अपनी नौकरी अपनी व्यापार छोड़ा, ये प्राथमिक बलिदान है। जब यीशु ने पत्रस से कहा तो अपने जाल छोड़ दिया उन्होंने, ये प्राथमिक बलिदान है, जो उनका गुजारा है, वो जो उनकी जीवन की रोटी है, उस रोटी को, उस कमाई को, उस रोजगार को उन्होंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि प्रभु ने प्रारंभ की है, अभी इसके आगे उन्होंने नहीं सोचा, हम इसे छोड़ कर चलेंगे Thank you.
सबसे बड़ी कुर्बानी है। पिछले सप्ताह से मैं कह रहा हूं कि सब लोग अपनी भी ऊंची जगह पर बैठना चाहते हैं, कोई नीचे नहीं उतरना चाहता, लेकिन हमारा प्रवेश केवल प्रवेश संसार में कई ऐसा वक्त आए हैं, कई ऐसा नबी आए हैं जिस पूरे पृथ्वी में और इस संसार में ने चाहा तो दूसरों को मारा है, लेकिन कभी किसी ने भी ऐसी कुर्बानी नहीं चढ़ाई जो यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान कर दिया था। और दूसरी बात, यीशु के जैसा शब्द किसी ने नहीं कहा, यीशु के शब्द, यीशु की वाणी, यीशु के उपदेश किसी और ने नहीं दिया, और यीशु जैसा प्यार किसी और ने नहीं किया। बोलने के लिए तो सब तो बोल कर चलेंगे, ग्रंथ लिखने चलेंगे, लेकिन किसने प्यार किया है इस संसार में अगर आप देखेंगे, कौन सा ऐसा महान व्यक्ति है जिसने महान उपदेश दिया लेकिन उसने प्यार किया है, आपको कोई नजर नहीं आएगा, कोई नजर नहीं आएगा। यीशु के सिवा प्यार को दिखाया हुआ, यीशु के सिवा क्षमा को दिखाया हुआ कोई आपको नजर नहीं आएगा। मैंने कई सारे लोगों के वेदांत को पढ़े, मैंने कई सारे लोगों के उपदेश को मैंने पढ़ा, लगभग मैंने सारे धार्मिक ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया है। इसमें तुम करो तुम करो तुम करो बोलकर लिखा गया, लेकिन खुद करके किसी ने नहीं दिखाया, खुद करके नहीं दिखाया। और क्षमा की बात किसी के मुंह से निकली नहीं है, क्षमा की बात किसी के मुंह से निकली नहीं है। अगर किसी ने कहा है तो तुम कोई अगर बिना मतलब के तेरे ऊपर आता तो कुछ दिन की इंतजार करा कर फिर से आता तो उसको तो खत्म कर। लेकिन कभी किसी ने यीशु के समान नहीं बोला, बेटा तेरे को गाली देगा तो गाली सुन लेना, चांटा मारेगा तो चांटा खा लेना, दूसरा गाल भी दिखा देना, कभी किसी ने कहा। और खुद उन्होंने दिखाया है उन्होंने खुद दिखाया, सलीब की राह पर जब चल रहे थे खुद दिखाया उन्होंने। कितने लोग अगर आप सुना क्या क्या बोल करके यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह के मुंह पर बोल देंगे, लेकिन कभी यीशु मसीह ने किसी को कुछ नहीं बोला। यीशु के सिवा इस संसार में प्यार और क्षमा को किसी ने नहीं दिखाया। अगर सच में कोई यीशु को प्यार करता है, उसको विश्वास करता है, वो भी थप्पड़ खाना सीखेगा, वो भी गाली खाना सीखेगा। जैसे मैंने प्रभु को प्यार किया, मैंने पहली बार मैंने थप्पड़ खाना सीखा है। उससे पहले कोई हाथ उठाने से मैंने 10 उसको लगा कर आता था। मैं को बेंट बादशाह नाम से बुलाया करते थे, बेंट बादशाह, कुछ भी हो जाएगा बेंट निकालता था, बस ऐसा वार करता था, सामने कौन आ रहा क्या कुछ खबर नहीं आता, दूर में चला जाता। लेकिन इतना जरूर देखता हूं, मेरे ऊपर नजर भी कोई डाले ना। लेकिन जिस दिन मैंने यीशु को विश्वास किया, जिस दिन यीशु का प्यार को ग्रहण करके आप प्रभु, आज से ये मूर्ख इंसान, ये कठोर इंसान बदल जाएगा प्रभु, इस पत्थर को तो बदल देंगे, जंगली इंसान को आज तो बदलेगा प्रभु। मैंने सुबह निर्णय लिया था, रात को मैंने थप्पड़ खाया, वो भी चप्पल से मैंने खाया बिना किसी कारण का, बिना किसी कारण का। वहां से प्रभु ने मुझे सिखाया, कुछ लोग आए मेरे मुंह पर थूक कर गए, थूके मेरे मुंह पर, चले गए, बोला कि मेरा प्रभु ने मुझे सिखाया है, मुझे कोई मारना वापस मत मारना, यदि तो मुझे कोई गाली देता तो वापस गाली मत देना। मेरा एटीट्यूड इससे पहले डिफरेंट था, तू एक गाली देगा मैं पूरा डिक्शनरी को पढ़ के चला जाऊंगा, जितने डिक्शनरी में शब्द है उतने सब मैं बोल कर जाऊंगा, ये मेरा रवैया था। लेकिन जब प्रभु के पास आया, उसको विश्वास करने लगा, लोगों को मन किया मेरे को थूकने का, मैंने कहा थूक लो कोई बात नहीं, आज ये चेहरा आज तो मेरा देख रहा, लेकिन इसके भीतर मेरा भविष्य बस, क्योंकि यीशु ने सिखाया है यदि तेरे विरोध में कोई नुकसान करता है उसके बदले में नुकसान मत कर। पतरस भी क्या कहता है, यदि तू गलती करे और तू मार खाए उसमें कौन सी बड़ी बात है, तू बिना गलती के अगर तुझे मार पड़ता है तू उसको सह लेता है, उसे तू क्षमा कर देता है, यह बहुत बड़ी बात है। सब
क्योंकि यहूदियों से विश्व कहते हैं, किन यहूदियों से जिन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया, उनसे कहते हैं यदि तुम मेरे वचन में बने रहो। प्रभु यीशु के वचन में अगर बने रहना है बड़ी से बड़ी बलिदान में। आप जानते हैं बलिदान जो इंसान देना चाहता है और जो अपने प्यार से देना चाहता है और जो अपनी चाहत से देना सीख लेता है और जब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर करता है चेले का बनना है वचन
निश्चय तुम मेरे चेले ठहरो। बहुत से लोग हैं जो चेले नहीं है, बहुत से लोग हैं जो वचन में बने रहे नहीं रह सकते, उनको कुर्बानियां देना नहीं आता है, उन्हें बलिदान देना नहीं आता है, उन्हें प्यार करना नहीं आता है, उन्हें क्षमा करना नहीं आता है, उन्हें सहन करना नहीं आता है, उन्हें साथ देना नहीं आता है, उन्हें संगति करना नहीं आता, उन्हें उन्हें सहन करना नहीं आता। आत्मा के फल नहीं लगा सकते, आत्मा के फल नहीं लगा सकते। एक व्यक्ति जो फिर से बात करते जाते हैं, उसने कहा मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूं उससे बात नहीं कर, 5-6 साल से प्रभु मुझसे बात नहीं कर रहा। ये बात कोई कोई नया नया कलीसिया आने वाले कलीसिया के बाहर बैठा व्यक्ति नहीं बोल रहा, ये बाइबल पकड़ के उपदेश देने वाला व्यक्ति बोल रहा है। ये बाइबल पकड़ के मेरे जैसा प्रचार करने वाला एक पास्टर कर रही है बात, वो मेरे से बात नहीं कर रहे। कितने साल हो गया, कितने साल, दिन मेरा प्रभु मुझसे बात नहीं करेगा तो मुझे घुटन होती है, एक दिन मेरा परमेश्वर मुझसे बात ना करे मैं बेचैन हो जाता हूं। मुझसे कोई इंसान बात करे ना बात ना करे मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता इतना मुझे, लेकिन अगर प्रभु मुझसे बात नहीं किया मैं टेंशन हो जाता हूं, मुझे टेंशन आ जाती है। एक बार प्रभु से दूर होना मेरे लिए मेरा जिंदगी खोने के समान है। यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। एक सवाल उनसे पूछा था कि तुम्हारे अंदर आत्मा के फल उग रहे, आत्मा का फल उग रहे हैं, क्या वो पेड़ बड़ा हुआ है? आत्मा के फल है, 9 फल है आत्मा के, वो फल अगर आपके अंदर नहीं उगते हैं वो फलदायक नहीं है। आप आते हैं पढ़ते हैं आते हैं सुनते हैं आते हैं करते हैं आते हैं गाते हैं आते हैं बैठते हैं आते हैं देते हैं आते हैं चले जाते हैं, आप कैसे चले बन सकते हो? चेला वही बन सकता है जो प्रभु यीशु मसीह के वचन में खड़ा रह सकता है। चेला वही बन सकता है जो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए सिद्ध है। एक शिष्य वही हो सकता है जो यीशु मसीह के वचन को लेकर वचन के अनुसार खड़े होकर चलता है। काफी सारे लोग आए इसमें से निकोदमुस के आया था कि प्रभु मुझे अनंत लोक में जाना है तो मुझे क्या करना चाहिए, रास्ता बताओ। यीशु का सवाल था उससे, सोच कर देंगे यीशु का सवाल मेरे जैसा पूछ कर देंगे निकोदमुस, इतने साल से तू क्या सिखा रहा था, इतने वर्षों से तू क्या सिखा रहा था, तू बूढ़ा हो चुका है, तू बूढ़ा हो चुका है, जो तू सिखा रहा है। निकोदमुस जो व्यवस्था को सिखाने वाला वहां तक आया, उसके आगे यीशु को ग्रहण करने का तो उसमें लेने की बात है, उसको ठुकरा दिया। वहां तक जो चीज मुझे पसंद है वहां तक मैं करता हूं, जो मुझे कठिन लगता वो मैं नहीं करता, उसको मैं बाइबल में से मेरा प्रभु चाहे कुछ भी कह दे मैं उसको मानता नहीं हूं, मैं करूंगा ही नहीं। ये हमारी रवैया है, ये ख्रिस्तियों की रवैया है, जो मैं कर सकता हूं उससे करूंगा, जो मैं नहीं कर सकता उसको मैं नहीं करूंगा। दाऊद कहता है अपने बेटे से लास्ट में बिस्तर पर सो गया, बिस्तर पर सोकर
मुक्ति की यात्रा में उस फाटक के करीब जा रहा, बोलता कि बेटा मेरा स्टेशन आ रहा है, मैं जा रहा, मेरा स्टेशन आ रहा, मेरा टाइम खत्म हो गया। लेकिन जाने से पहले बेटा तुझे एक बात मैं बोलकर जाता हूँ, देश में कुछ भी भूल जा बेटा, मैंने जो कुछ भी बोला उसमें से तो कुछ भी भूल जा, लेकिन उसके गुलाम पे को कब्जे में समा जा जाए। लेकिन जब वो शिमरी इसको गाली दे रहा था दाऊद को, अब उन्होंने क्या कहा, उसको कुछ नहीं कहना, बोलने दो उसको, मेरा प्रभु ने आज उसको मुंह खोला है, परमेश्वर की सामर्थ नहीं है उस दिन, परमेश्वर की सामर्थ उससे अलग नहीं है। और वहां वो शिमी खड़ा होकर इसको गाली देते हैं, क्या क्या बोलते चले जाते हैं। लेकिन कई सालों के बाद जब दाऊद मरने पर था, उस समय अपने बेटे से कहता है, एक हिसाब जरूर तुझे पूरा करना पड़ेगा बेटा, शिमी को आराम से मरने मत देना, जो मेरे लिए आसान है, जो मेरे लिए अच्छे हैं वो मैं करूंगा, जो मेरे लिए कठिन है, जो मेरे लिए मुश्किल है, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। आज कई सारे लोग एक झूठ के अंदर बंधे हुए, एक झूठ के अंदर बंधे हुए, मैं जस्ट संक्षिप्त में कुछ बातों को बोला कर समाप्त करता हूं। पाप सबसे पहले मनुष्य को परमेश्वर को अलग करता है, पाप सबसे पहले मनुष्य को परमेश्वर को अलग करता है। अब उसने अधेड़ की बगीचे में आग कर दी, जब परमेश्वर दूर अपने स्वर्गलोक से गए, तो मनुष्य अधेड़ की बगीचे में, लेकिन परमेश्वर ने वहां से उसको फिर से बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया, क्योंकि एक पापी एक अच्छी जगह पर नहीं रहना चाहिए। आपको कठिन लगता होगा क्यों परमेश्वर ने आदम हवा को बगीचे में, खुद चले गए तो चले जाते हैं, लेकिन उनको बगीचे से बाहर क्यों कर दिया, उनको एक बार इतनी कठिनाई क्यों परमेश्वर को। एक पापी एक सही जगह पर नहीं रहना चाहिए, एक पापी एक सही जगह को खराब नहीं करना चाहिए, उसका समय उसके तुरंत नहीं किया, उसके लिमिट है। जहां स्वर्ग लोक में उसी पर मन ही मन पाप कर रहा था और उसकी पाप बढ़ती चली गई थी, तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग लोक से नीचे फेंक दिया। जब आदम और हवा ने भी पाप किया है, तो परमेश्वर ने उन दोनों को भी इस अधेड़ की बगीचे से बाहर कर दिया। अधेड़ की इस बगीचे के अंदर एक पापी मनुष्य जीवन का वृक्ष का फल खाकर अगर वो सदा के लिए जीवित रहता है, इस संसार में पाप हमेशा के लिए रहेगा, मनुष्य कभी एक परिवर्तित जीवन क्यों नहीं आ सकता। पाप की अंत करने के लिए, उसका एक सीमा रखने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को अधिक नीचे में से आत्मा और उसके बाद परमेश्वर ने दिया परमेश्वर। लेकिन परमेश्वर मनुष्य से प्यार करना बंद नहीं किया, परमेश्वर का प्रेम मनुष्य के ऊपर था और है, युगानुयुग रहेगा। भले ही आदम हवा बगीचे से बाहर चले गए, जाने से पहले परमेश्वर ने उनको वस्त्र दिलाकर पहना भेज दिया और बेचाकर अपने जीवन गुजार रहे, लेकिन आराधना के माध्यम से, बलिदान के माध्यम से मनुष्य अपने आप को नम्र करते हुए, मनुष्य परमेश्वर को पुकार कर परमेश्वर की सानिधि को अपने सामने लाने की एक तो प्रक्रिया में ही परमेश्वर को मिल सकता, मेरे को नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। इसलिए पुराने नियम में हम सब लोग देखते हैं कि मनुष्य जाकर अपने पापों
में जो बलि क्षण आता है, बलि क्षण तो वहां पर लहू बहाई जाती है और उस बलिदान के बाद परमेश्वर उसे क्षमा करते हैं, उनको क्षमा कर उनको छोड़ देते हैं। यही बलिदान को चढ़ाने के लिए हाबिल भी गया था, क्योंकि वह चाहता था कि परमेश्वर की चिंता आए, परमेश्वर की सानिध्य आए। कैन भी चाहता था कि परमेश्वर की चिंता आए। कैन ने चाहा, परमेश्वर हाबिल ने चाहा, परमेश्वर उत्तर आए थे। उत्तर आने के बाद उनसे मिले हैं, उनसे बातें किए हैं, उनकी बलिदान को, एक का बलिदान को उन्होंने स्वीकार किया, दूसरा का अर्पण को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। एक का स्वीकार किया, दूसरा का स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर वहीं पर दिखाना चाहते हैं दोनों के उस भेदभाव के अंदर, परमेश्वर दिखाना चाहते हैं यदि कोई परमेश्वर को देखना चाहता है उसका हृदय शुद्ध होना चाहिए। इसी उद्देश्य को यीशु मसीह ने महाने भी बन दिया, जिसका मन शुद्ध हो वो परमेश्वर को देख पाए। धन्य है वो मनुष्य जिसका हृदय शुद्ध है, जिसका मन शुद्ध है। पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर करता है, पाप मनुष्य को परमेश्वर के बीच में दरार देता है। वही जीवन का वृक्ष जिससे मनुष्य दूर हो गया था, उसी सनातन के जीवन को देने के लिए उस परमेश्वर ने उस वृक्ष की जगह, उस फल की जगह अपने जगन्नाथ 3:16 में कहता है यदि कोई उसके पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन को पाएगा। मनुष्य की अलग अलग दशाएं हैं। जब हम यीशु को जब नहीं जानते थे हम संसार में थे, जब यीशु को हम लोग नहीं जानते थे हम पाप में थे, लेकिन जब यीशु को हमने ग्रहण कर लिया, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया, हम अपने पापों को प्रायश्चित किए, हमने अपने पापों की बलिदान जो यीशु मसीह है उनको अपना प्रभु उद्धार के रूप में कर्ता के रूप में स्वीकार किया, और वहां से हमने बपतिस्मा लेकर हम कलीसिया में प्रभु के संतान होकर आए हैं। आज जो जो व्यक्ति सलीब की राह से आ गया है उसे प्रभु यीशु मसीह ने धर्मी का पहचान दिया। हमारी पापी पहचान को हटाकर उन्होंने धर्मी पहचान दे दी। धर्मी पहचान देने के बाद उन्होंने हमें संत के रूप में रखा। जब पौलुस We'll be right back.
जेलों के प्रवचन को सुन रहे थे, सब लोग सुन रहे थे, लेकिन उनमें से एक दंपति थी जो वो भी सुन रही थी। सब लोगों ने सुना, विश्वास किया और अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गया। क्या थी कुर्बानी? कुर्बानी ये थी, बलिदानी ये थी, अपना अपना जो संपत्ति है उसको हम लोग बेचेंगे। किसी के पास अगर ज्यादा है, जिसके पास कम है, उसके लिए हम लोग यहां पर लाकर रखेंगे। सब लोगों ने हां कहा और सब ने ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपना अपना हिसाब किया और हिसाब करने के बाद सब लोग अपने अपने धन दौलत वहां पर लाकर देवों के पैर के तले रख दिया था। लेकिन एक दंपत्ति जो गली से आती थी, एक दंपत्ति जिसने विश्वास किया, एक दंपत्ति जिसने प्रभु को ग्रहण किया, एक दंपत्ति जो प्रभु के पीछे चल रही थी, उस दंपत्ति ने अपनी संपत्ति के विषय में झूठ बोला, धोखा दिया और क्या क्या नहीं किया, उसका परिणाम ये निकला, दोनों एक ही दिन एक ही समय मर गए। कलीसिया के भीतर आने के बाद भी पाप किसी को छोड़ना नहीं है। पाप हर व्यक्ति को पकड़ता है, पाप विश्वासी को पकड़ता है, पाप अश्व को पकड़ता है, पाप बिशप को पकड़ता है, पाप उसको पकड़ता है, इसको पकड़ता है, सबको पकड़ता है। पाप पाप किसी का पक्षपात नहीं करता। हम तो कहते हैं परमेश्वर से पक्षपात नहीं करता है, लेकिन पाप भी किसी का पक्षपात नहीं करता, वो हर किसी के पीछे चलता है। उसने यीशु मसीह का भी पीछा किया, यीशु ने उसको हराया, उसके पीछे किया, उसके ऊपर ऐलान करते हैं, हे मृत्यु कहां है तेरा वक्त, कहां है तेरा डर, तू बता। पाप किसी को छोड़ता नहीं है, एक एक जगह पर पाप करवा देते हैं। कलीसिया के भीतर कुछ पाप, कलीसिया के बाहर कुछ पाप। अब पाप फिर से क्या करता है, मनुष्य को परमेश्वर से दूर करता है, मनुष्य को परमेश्वर से दूर करता है। भले हम कलीसिया में बैठे, भले ही हम आराधना कर रहे हैं, भले ही हम प्रार्थना कर रहे हैं, भले ही हम वचन पढ़ रहे हैं, भले ही हम आराधना जाते हैं, भले ही हम दान को अंदर बैठा हुआ है, कुछ पापों को हम लोगों ने कहा कि यहीं पर बैठे को तू हिल कर नहीं आए। कुछ ऐसे पाप है जिनको हमने कहा जो हमारे लिए पसंद है, जो हमारे लिए कठिन है, जो हम लोग नहीं करना चाहते हैं, उनको हमने हृदय के अंदर बसा कर रखा है, बसा कर रखा है। उसे प्रभु तू अगर आएगा तो भी मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरा मन कठिन है, कठोर है, मैं तेरे जैसा नहीं बदल सकता। प्रभु तू प्रभु है, वहां तक मैं यहां तक, मैं से आगे नहीं। हम प्रभु को कंडीशन लगा, लेकिन प्रभु हमसे कंडीशन लगाए। जो यहूदी उनके पर विश्वास कर रहे थे उनसे वो कहते हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चले गए। और उसके बाद तुम क्या देखोगे? उसके बाद तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र कर देगी। तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र कर देगी। नफरत, ईर्ष्या, गुस्सा, बदले की कई सारे सांकले रोज मेरे हाथ पैर में बंधे जाते हैं। कई सारे लोग नफरत से, गुस्सा से, ईर्ष्या से, अचानक क्या क्या सांकलों को लेकर मुझे बांधने की कोशिश करते हैं। मैं उसको लड़ता हूं, कोई शक्ति का काम मिल जाएगा, सिंपल चाबी मेरे पास, मेरे पास सिंपल एक चाबी है। कुछ भविष्य मसीह पत्र से कहता है, स्वर्ग लोग का कुछ मेरे हाथ में, आपके भी हाथ में कुंजी है, आपको स्वर्ग कोई नहीं ले जाने वाला। यदि आप बच्चों के अनुसार नहीं चलोगे, आप ताला लगा बैठे हो, नहीं जाओगे। आप क्षमा लगा देते बाद में चैन की जीवन होगा, आपके भीतर एक चैन की जीवन होना चाहिए, आप विश्व मसीह के चेले होना चाहिए। आप अगर स्वतंत्र होना चाहते हैं, सच्चाई सच्चाई क्या है, चेले बनो, उनके चेले कैसे बनते हैं, उनके वचन में बने रहो, उनके वचन में बने रहिए,
पक्ष में अगर आप बने रहे हैं, आप स्वतंत्र हो गए और कोई चाहे बच्चे आप स्वतंत्रता चाहते हैं, सब लोग फ्रीडम चाहते हैं। हमारे देश की गुलामी से सब लोगों ने फ्रीडम चाहा है। अब परमेश्वर ने 72 साल पहले हमारे देश को आजाद कर दिया है। पाप के बंधन से आपने फ्रीडम चाहा है, परमेश्वर ने कई साल पहले आप लोगों को बंधन से छुड़ा दिया, लेकिन आज भी कुछ ऐसे पाप हैं जिन्होंने आपको बांध कर रखा है। आपको पूर्ण परमेश्वर के शिष्य बनने से रोक रखा है, आपको पूर्ण परमेश्वर की शांति पाने से रोक रखा है, पूर्ण परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करने से आपको रोक रखा है। आपकी कठिनाई, आपकी कठोरता, आपकी मन की अपरिवर्तित व्यवहार और रवैया, आपको स्वर्ग से दूर करते हैं। स्वर्ग लोक जाना आपके मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, स्वर्ग लोक जाना आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मुझे चांदा मारने वाले की क्या हालत होगी उसका बदला मैं देखना चाहिए आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मुझे धोखा देने वाला कैसा तबाह हो जाएगा यह आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य यह है भले मुझे कोई भी धोखा दे, भले मुझे कोई भी गाली दे, भले मुझे कोई भी छाता मारे, भले मुझे कोई भी दो बार मारे, दस्ता मारे, मारता जाए, भले उनको भूखे मुझे अपमान करे, मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा। स्वर्ग की यात्रा में यीशु से निकले थे, धरती लोक से स्वर्ग लोक ने जाना था, और उस यात्रा में कई सारे लोग आए। रोमी सैनिक भी आए हैं, चाबुक लेकर आए हैं, चाबुक से मार रहे थे, उनके ऊपर सलीब का भार रख दिया गया था। कोई उसकी दाढ़ी पकड़कर खींचने लगा था, कोई इनके पर मुंह पर थूकने लगा था, कोई इन्हें थप्पड़ मारने लगा था। यीशु मसीह ने इन सबको अकाउंट में नहीं रखा। जानते क्यों नहीं रखा उन्होंने? क्योंकि कुछ घंटे और उनको चलना है, बस कुछ घंटों की बात है। थोड़े घंटों में, थोड़े समय में मैं गोलगोता पहुंचने वाला हूँ। सलीब को अपने कंधों के ऊपर लेकर वो खून लहू लुहान हुए उस हालात में वो गिरते उठते यीशु मसीह चल रहे थे। सिर के ऊपर कांटों का ताज पहन कर वो चल रहे थे। बीच में से कोई आकर जोर से पीछे से मुट्ठा मारते हैं, सब वो सब तो सिर के सिर यीशु मसीह नीचे गिर गया, उठाकर फिर खड़ा कर दिया। लेकर चलते हैं, पता उनको मारना ही नहीं, उनका अपमान कर रहे हैं, उन्हें मानसिक रूप से हिंसा कर रहे हैं उनके ऊपर, ताकि यीशु मसीह कुछ न करे, कुछ न करे। वो शैतान यीशु को वहां पर नहीं छोड़ रहा था, वो भले कितने भी कोशिश वो कर रहा था। क्यों? क्योंकि यीशु को गोलगोता तक जाने से रोकना है, गोलगोता नहीं पहुंचने देना है उन्हें। यीशु को यही यरूशलेम के मार्ग पर रोकना है, लेकिन यीशु ने अपना लक्ष्य, अपना स्वर्ग लोक जिसे वो छोड़ कर आया उससे वहां पर जाना है, जिस काम को करने के लिए उससे पूरा करना, जिस मानव से प्यार कर गया है उसे छुड़ाना है, उनके सांकलों से उन्हें स्वतंत्र करवाना है। इसे मन में रखकर यीशु के राह पर चल रहे थे। 39 बार उन्हें चाबुक से मारा, 39 बार उनको चाबुक से मारा, सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया, मुंह पर थूकने लगे, उससे पूछ कर पोछने की सामर्थ्य भी उनके पास हुई थी। आप और मैं जिस अपमान को अपने जीवन भर में पाते हैं वो कुछ नहीं है, जो यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए सहा है वो बहुत कुछ है। सलीब के ऊपर चले गए, कीलों से उनके हाथ पैर को ठोक दिया गया है, सलीब के ऊपर चढ़ा दिया गया है। वहां पर खाने कितने लोग वहां से क्या क्या नीचे से बोलने लगे, नीचे से कौन क्या बोल रहे इतना तो नहीं मालूम, लेकिन उसके माई और जो सलीब के ऊपर था उसने वो कुछ दिया। तो वहां पर यीशु को साबित करना पड़ रहा था, लेकिन यीशु से वहां पर कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, हे पिता क्षमा कर। ये लोग आज नहीं जानते हैं प्रभु इनकी आंखें खुलने के दिन आएगा, एक दिन आएगा कि आंखें खुल जाएगा। प्रभु यीशु से ने हमें मरने के समय तक मुक्त किया है, मृत्यु से पहले हमारी आंखें खुल जाए। अगर आज आपकी आंखें खुल गई, कल आपकी आंखें खुल गई, परसों आपकी आंखें खुल गई, अच्छी बात है। आपके
स्कूल बच्चे जब स्कूल में जाते हैं उन्हें डायरेक्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस क्यों नहीं सिखाते हैं, उन्हें कॉलेज का सिलेबस क्यों नहीं सिखाते, नर्सरी में सिखा दिया तो खत्म हो जाता, उन्हें क्यों नहीं सिखाते वो ज्योमेट्री, वो अर्थमेटिक, वो लॉगरिथम्स, वो अलजेब्रा, वो कैलकुलस, उन्हें क्यों नहीं सिखाते वो साइंस, उन्हें क्यों नहीं सिखाते वो रॉकेट साइंस, वो बायोटेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी, वो सब आपके बच्चों को एक एक स्तर पर क्यों सिखाते हैं? क्योंकि उनकी मस्तिष्क जब विकसित होने का, जब उसे उसे समाने का एक समय आता है, उसे सब उसे देने चाहते हैं, इसलिए शिक्षा में एक स्तर होता है, एक एक स्तर में एक एक सिलेबस लेकर जाते हैं। आप बच्चों को बचपन में ही सिखा दे दीजिए, बचपन में सिखा दीजिए। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, आपको मैं बताता हूँ, मैंने अपने बेटे के साथ एक्सपेरिमेंट किया, उसको मैं नर्सरी में ही उसको टेबल सिखाने की कोशिश की, लेकिन नहीं सीखा। उसको मैंने आदिश सब्ट्रैक्शन को नर्सरी में सिखाने की कोशिश किया, वो नहीं सीखा। मैं भी चाहता था कि वो चार कदम आगे बढ़कर चला जाए, क्लास से जंप करके देखे, मैंने कोशिश की, उसको मैं एक्सपेरिमेंट भी किया। आप जानते हैं थर्ड स्टैंडर्ड में आने पर टेबल सीखा उसने, थर्ड स्टैंडर्ड में आने के बाद तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीखा उसने। जो कोशिश मैंने फर्स्ट सेकंड नर्सरी में थर्ड में मैंने किया था, उसमें जो कामयाबी नहीं मिली, उसकी कामयाबी आज भी जब मैं उसके फर्स्ट स्टैंडर्ड में देखता हूं, जो वो उंगलियों के ऊपर उसको मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में उसको सिखाना चाहता था, उसने नहीं सीखा, आज वो दिमाग में एडिशन सब्ट्रैक्शन कर लेता है, क्यों? उसका वो समय आ गया है। हर इंसान को सीखने की एक समय होती है, हर सबक हर इंसान एक दिन में नहीं सीख लेता, हर व्यक्ति एक दिन में पवित्र संत नहीं बन जाएगा, हर व्यक्ति एक दिन में ईश्वर का स्वभाव में नहीं जा सकता, उसे स्तर व स्तर बढ़ते चला जाना है, इंतजार करना है हमें। आज वो नहीं सीखा है, क्यों नहीं सीखा? उसको वो समय नहीं आया है। आप उसको सिखाएंगे, आज वो नहीं सीखेगा, उसका समय नहीं आया है। आपको किसी ने कल गाली दिया है, उसका समय नहीं आएगी ये जान पाए कि आपको गाली नहीं देना चाहिए, हो सकता है एक साल के बाद वो जान पाए, और जिस दिन वो आएगा उस दिन आपको खुशी का दिन होना चाहिए। एक सच्चा मित्र वो होता है, अगर मित्रता की हाथ बढ़ाते होगा, मित्रता की हाथ बढ़ाने की अगर कभी किसी के साथ चेष्टा अगर आपने की है, कष्ट के समय उसे पकड़ने की कोशिश नहीं, तो हाथ मत बढ़ा करना, वह फ्रेंडशिप मत करना। यू आर ए पुअर फ्रेंड, you are a poor friend, you don't know how to keep your friendship. किसके बीच में भेदभाव नहीं होता है, किसके बीच में भेदभाव नहीं होता है, सबके बीच में भेदभाव होता है, लेकिन उसे खुलने का एक वक्त आता है, इसलिए प्रभु कहता है क्षमा कर दे तू। चार साल के बाद मान लो कोई इंसान आकर आपको सॉरी बोलता है, चार साल के बाद मुझे किसी ने आकर छह साल में सॉरी बोला, मुझे किसी ने आकर आठ साल के बाद सॉरी बोला है, जबकि मैंने आठ साल पहले उसको क्षमा कर दिया। अगर मैं उसको आठ साल पहले क्षमा नहीं करता, मैं बदले की आग को लेकर जाता, तो मैं जलकर राख हो जाता, मेरा मार्ग मेरा लक्ष्य मेरा स्वर्ग, मेरा लक्ष्य मेरा स्वर्ग लोक है, ईश्वर का लक्ष्य जिस स्वर्ग लोक से नीचे आकर उसी स्वर्ग लोक में वापस पहुंचना, उसी अधिकार को प्राप्त करना। स्वर्ग और धरती के ऊपर सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है, अधिकार को प्राप्त करना पड़ता है, जीतना पड़ता है, कमाना पड़ता है। आपका लक्ष्य स्वर्ग होना चाहिए, यहां जो कुछ भी क्यों ना करें, लेकिन स्वर्ग अगर नहीं पहुंचेंगे आपको चिंता करना है। इसलिए आपके और स्वर्ग के लक्ष्य के बीच में अगर इस सलीब के राह पर कुछ भी आते हैं, कुछ भी आते हैं, सलीब के राहियों का ईश्वर से ने, क्योंकि ईश्वर ने सलीब के ऊपर चाहकर उन्होंने वहां क्षमा के शब्द को कहा है, आपसे भी कहते हैं वहां से क्षमा कर, क्षमा कर। पाप मनुष्य को परमेश्वर से दूर करता है। अगर वो संसार में से आपको यहां तक आने से रोक नहीं पाया, ये ना सोच रहे कि यहां से आपको स्वर्ग आने से रोकने में कामयाब नहीं होगा, कोशिशें जारी है। आप कैसे ख्रिस्ती हैं,
कलीसिया के भीतर कैसे ख्रिस्ती, प्रभु के पास आने को कैसे ख्रिस्ती है, आप आपका मन कैसा, आपका व्यवहार कैसा है, आपके मित्र पड़ोसी से आपका रवैया कैसा है, ये सबसे मायने रखता है। इसलिए यीशु मसीह ने पहला उपदेश दिया कि आपको कैसा रहना चाहिए। तो स्वतंत्र आप तभी होंगे जब आप सच्चाई को जानेंगे, आप सच्चाई तभी जानेंगे।